सभी साथियों को नमस्कार। मैं आज सम्मान एक अधिकार के द्वारा मोदी नगर के अंदर एक सम्मानित सज्जन हमारे सामने हैं जो दो बार के जिला पंचायत रहे हैं, सतीश राठी जी। राष्ट्रीय लोकदल से वो दो बार जिला पंचायत रहे हैं और वर्तमान में सोशल वर्कर है। तो चौधरी साहब, स्वागत है आपका सम्मान एक अधिकार में। नमस्कार, आप सबका स्वागत है, सबको मेरी नमस्कार जी। सर, सम्मान एक अधिकार कुछ सर्वे कर रहा है वरिष्ठ लोकदल के कार्यकर्ताओं पर। आप दो बार जिला पंचायत रहे हैं, तो थोड़ा सा परिचय अपना पहले दें कि आपने क्या क्या करा है। मैं अपना जो है दो बार जिला पंचायत सदस्य रहा हूँ 2010 तक जी। तो मैंने गांव में सब में जो है विकास कराया है। और जो आप गांव में सीसी रोड देख रहे हैं, उससे पहले गांव में सीसी रोड नहीं हुआ करती थी। हम लोगों ने सबसे पहले ये खड़ंजे रोक है जो गांव के अंदर है, वो सीसी निर्माण कराने की शुरुआत हमने अपने कार्यकाल में की। उससे पहले खड़ंजा ये चीज़ें होती थी। और मैं अपने सभी क्षेत्र के लोगों के साथ सभी वर्ग में दुख सुख में सब में आज भी सम्मिलित रहता हूँ, पहले भी सम्मिलित रहता था। और मैं जो विकास तो करना है ही है, विकास से हटकर जो एक इंसानियत है, जो नेता को चुनाव जिताते हैं, जो अपने लोगों की उम्मीद है, उस पर खरा उतरना है। मैं अपने क्षेत्र में मैंने ना कोई मुकदमेबाजी कराई है, ना किसी के खिलाफ कोई फोन किया है। आपस में यदि कोई मुनाफ है तो उनके बैठ के फैसले कराए। और मैं क्षेत्र में आज भी सक्रिय बना हुआ हूँ। और मुझे माननीय जयंत चौधरी ने अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में महासचिव बनाया हुआ है हसनापुर कमेटी में। और मैं पार्टी का एक आम कार्यकर्ता होकर माननीय जयंत चौधरी और पार्टी की नीतियों पर काम कर रहा हूँ। चौधरी साहब, अच्छे नेता की ये पहचान होती है कि विवादों को कम करें, बढ़ावा दें। लेकिन आज के नेता कुछ ऐसे हैं कि मेरे मुँह पर मेरी कह दी, आपके मुँह पर मुँह कर दी, एक दूसरे के ज़्यादा थाने दीवाने, लोग ज़्यादा दलालियों में ज़्यादा नेता गलती करते हैं। जबकि अच्छे नेता की पहचान ये है कि वो एक स्वच्छ छवि का नेता निकल के आए, कि लोगों के विवाद घटाए, जातिवाद घटाए, देश को आगे बढ़ाने में अपना जो भी सहयोग हो वो करें। देखो, जो नेता थाने की दलाली कर रहे हैं या थाने में जा रहे हैं, लोगों को बंद करा रहे हैं, वो नेता है ही नहीं, मैं उन्हें नेता मानता हूँ। मेरे क्षेत्र में दो थाने पड़ते हैं, थाना भोजपुर, थाना मोदनगर। यदि किसी मेरे भाई का कोई काम है, कोई चीज़ है, तो मैं थाने जाता हूँ। मैं कभी थाने जाता ही नहीं, ये मैंने काम सीखा ही नहीं है कि थाने जा कर बैठना। हाँ, पुलिस विभाग के लोग अधिकारी आते हैं, उनका सम्मान करता हूँ, अपने घर पर आते हैं। मैं कभी नहीं जाता कि किसी उस पर भी जाए, किसी का कोई मामला उंगली उठती है। तो नेताओं का काम किसी को थाने में बंद कराना या मुकदमा दर्ज कराना नहीं है। हम लोगों का सोशल ये है कि हम लोगों की हेल्प के लिए चुने गए हैं, हम लोगों के फैसले कराएं, उनमें आपस में जो है मनमुटाव, छोटी चीज़ गांव में छोटी छोटी चीज़ पर होती है, जो बैठ कर निपटा लिए जाते हैं। नेता का काम जो है सोशल है और हेल्प के लिए है, किसी को क्षति पहुँचाने के लिए नहीं है। आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ काम करा? तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में तो अब हमें माननीय जयंत चौधरी जो है राज्य शिक्षा मंत्री है, जो साहब लगे हुए हैं, जो भी उस क्षेत्र में आप काफ़ी, जैसे अभी पतला आए थे जो साहब, जो है डिग्री कॉलेज में वहाँ छात्राओं के लिए जो है वो कौशल विकास से भी क्लासेस शुरू चलाने की बात है, उन बच्चों का विकास हो, खेल कूद हो, उसका भी सामान दिया है। तो माननीय जयंत चौधरी जी हमारा और हमारी पार्टी का सिद्ध किसान मजदूर युवा है। और माननीय जयंत चौधरी जी का भी पूरा फोकस है कि युवाओं को किस तरह से जो है उन्हें बिजनेस में लाया जाए, किस तरह से उन्हें रोजगार मिले। और शिक्षा मंत्री हैं माननीय जयंत चौधरी जी, राज्य मंत्री, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में उनका अब से पहले भी जब वो राज्यसभा सांसद है, जब भी उन्होंने पूरी निधि का काम जो है, जो पैसा है, वो बच्चों के लिए खेल और उसी के लिए दे रहे थे, वो इसके अलावा कहीं नहीं दे रहे थे। तो माननीय जयंत चौधरी जी खुद उस पर लगे हुए हैं कि शिक्षा पर काम करें। और जब हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी लगे, तो पार्टी कार्यकर्ताओं को भी दिशा निर्देश है कि हम लोग भी कोई क्षेत्र की ऐसी समस्या या कोई स्कूल की ऐसी चीज़ है या कोई ऐसी चीज़ की जुड़ते, तो हम अवगत अपने नेताओं को कराएंगे, उस पर काम। आपने लोकदल कौन से संघ ज्वाइन करी? मैं तो लोकदल में ही हूँ जी, जन्म से लोकदल में हूँ। दो चुनाव में लोकदल सन 2000 में लड़ा था जी जी जी, 2005 में लड़ा था। और अब की बार भी माननीय जयंत चौधरी ने मुझ पर भरोसा किया था, अब की बार भी मैं जिला पंचायत लड़ा था। मैं 240 वोट से चुनाव लूज कर गया था, एक पार्टी का सिपाही हूँ। चौधरी साहब, एक बात बताइए, भारत रत्न प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल की शुरुआत करी, नाम चेंज होते गए टाइम टाइम पर, चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और चौधरी जैन, इन तीनों में पार्टी के अंदर
अलग अलग टाइम पर चली है, तो इनमें क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? देखो चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भारत रत्न माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सम्मान देने का किसानों के मुझे सम्मान दिया, मैं उन्हें भी इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन लोगों ने जो बहुत पुरानी हमारी एक पार्टी की मांग थी, चौधरी चरण सिंह सर्व वर्ग के नेता थे जी, और उस समय उनके कार्य करने की शैली कुछ अलग ही थी जी। वो जिसे धमका कर वहाँ से भेज देते थे, उसका काम जब तक वो गाँव में आते थे उनका काम ही मिलता था। हाँ जी, हाँ जी। तो चौधरी चरण सिंह उस समय के जो राजनीति थी, उस समय देश के प्रधानमंत्री बनने के किसान के बेटे को झंडा फहराने का सौभाग्य चौधरी चरण सिंह को है, इस बात का हमें गर्व है। उसके बाद चौधरी स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह आए, उन पर जब जब ताकत आई तब तब उन्होंने किसान मजदूर हर वर्ग के लिए काम किया, उद्योग लगवाए, यहाँ किसानों की गन्ने की जो है क्रिया खराब होती थी, चौधरी अजीत सिंह जो है उद्योग मंत्री बने तो काफ़ी मिलों की लगाए गए, जिससे कि आज किसान का गन्ना मिल में जा रहा है। और उसमें एक वो था कि भाई 40 किलोमीटर की रेंज में दूसरा मिल नहीं लगेगा, तो चौधरी साहब ने उसकी दूरी घटाई और दूरी घटा के जहाँ जरूरत थी वहाँ लोगों को लाइसेंस दिए और मिल लगवाने का काम किया, जिससे कि किसान की दशा सुधरने का काम किया। और माननीय जयंत चौधरी जी आज युवा हैं, वो आज सब वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, आज उन्हें अवसर मिला है कि वो कुछ कर सकें। जब से चौधरी जयंत जी जो है मंत्री बने हैं, वो कभी भी अपने घर नहीं रुके, कहीं ना कहीं उनका पर डे आप देखोगे कहीं ना कहीं जो है प्रोग्राम लगे हुए हैं, और वो बिल्कुल युवाओं के लिए उसके लिए अपना पूरा समय दे के, और जो मौका मिला है वो आम जनता लोग वो योजना जाए उस पर कार्य कर रहे हैं। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी जब तक पार्टी में रहे, जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो टाइम टाइम पर रहे अपने पर, तो लोक दल को एक समाज से ज़्यादा जोड़ा जाता था कि भाई लोक दल जो है जाट समाज की पार्टी है, और दूसरे जो लोग हैं अदर समाज के जो लोग हैं या कोई भी है, चाहे वो SC है चाहे वो मुस्लिम है या कोई भी है, वो जुड़ने से डरता था। और जयंत जी के आने से थोड़े से समाज के अंदर जो उन्होंने अपनी एक पढ़े लिखे होने की, एक विदेश में पढ़ाई करने के बाद में जो समाज के अंदर लोगों में अपनी प्रतिभा स्थापित करी है, उसमें फ़र्क महसूस करते हैं या नहीं? देखो जो इस बात को कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल एक पार्टी एक जाति की विशेष की पार्टी, वो गलत कहते हैं जी। चौधरी चरण सिंह की थे सबसे सब जातियों के थे जी, और हर स्टेट में उनके मुख्यमंत्री चुने गए थे जी, और वो देश के प्रधानमंत्री एक जाट जाति से नहीं बने जी। वो सब जाति सब वर्गों ने उन्हें, किसान वर्ग ने मजदूर ने सब ने समर्थन और सहयोग किया जो वो देश के प्रधानमंत्री। अब स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी जब जब उन्हें मौका मिला, हमारी पार्टी सब वर्ग की है, हमारी पार्टी जाति बिरादरी नहीं देखती, जिसके खिलाफ अन्याय होता उसके साथ खड़े होने का काम करते हैं। उस समय भी हर जाति से हमारे यहाँ विधायक और सांसद होते थे, आज भी है। और माननीय जयंत चौधरी ने तो आज इतना बड़ा काम किया है, इतना बड़ा काम किया है कि जो ये कहते हैं कि जाति विशेष की पार्टी है, तो उन पर कड़ा प्रहार है इस चीज़ के लिए। अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार में हमें एक सीट मिली कैबिनेट मंत्री, तो पुरगाजी से माननीय विधायक जी हैं हमारे अनिल कुमार उनको कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया, वो काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं। हम पे दो सीट थी जहाँ माननीय जयंत चौधरी जी चुनाव लड़ सकते थे, वहाँ एक पार्टी के आम कार्यकर्ता जो 40 साल से काम कर रहे हैं उन्हें मौका देकर सांसद पूछाने का, संसद में पूछवाने का काम किया। एक हम पे बिजनौर थी, वहाँ उनके फादर संजय सिंह सांसद रहे हमारी पार्टी से, उनके दादाजी चौधरी चरण सिंह के जब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे वो उप मुख्यमंत्री रहे चंदन सिंह चौहान, और आज चंदन सिंह चौहान जो है जयंत चौधरी के साथ काम कर रहे हैं। तो हमने हर वर्ग में काम किया है, और अब भी माननीय जयंत चौधरी जिस जैसे मौका मिल रहा है, जिस वर्ग से उन्हें कहीं मिल रहा, तो वो हर वर्ग को प्रतिनिधि दे रहे हैं। अभी नरेंद्र खजूरी जी थे, उनको अभी एक्सी एक्ट आयोग का जो है सदस्य बनाया है, महिला आयोग की हमारी बहन मनीषा अलावत जी है, उन्हें महिला आयोग का बनाया है। और अभी कल ही हमारे रामपुरों से मौर्य जी जो 40 साल से इस पार्टी में राजनीति कर रहे, आज उन्हें जो दूरसंचार विभाग का सदस्य बनाया गया है, कल ही उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। तो माननीय जयंत चौधरी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, काफ़ी समय से पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही
सम्मान देने का काम कर रहे हैं। उन्होंने टिकट भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया और आज भी पार्टी के कार्यकर्ता उन सब निर्देश हैं कि आप जाएं और सब वर्ग के लिए काम करें। तो हमारी पार्टी सब वर्ग के लिए है, उसमें सब लोगों को प्रतिनिधि मिल रहा है। जो इस तरह की बात कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता गलत है, उनकी कहीं ना कहीं मानसिकता गलत दर्शाती है। तो हमारी पार्टी सभी वर्ग के किसान मजदूर और व्यापार सबकी पार्टी है, सबके लिए काम करती है। हम जो राठी जी महसूस करते हैं राष्ट्रीय लोकदल को जयंत चौधरी जी के आने से पंख मिले हैं, जो विस्तार वो आज की जनरेशन में कर पाए हैं वो पीछे दो पीढ़ी तक तो नहीं हुआ है, क्योंकि खोप बना हुआ तो ये अटल शक्ति है। नहीं पहले जो था वो खोप ही था। नहीं, लेकिन जयंत चौधरी जी ने आने से सब समाज के अंदर जो नारा दिया है और जो काम कर रहे हैं सभी लोगों के लिए, एक अच्छे शिक्षा शिक्षित होने का मतलब यही होता है, मेरा तो मानना तो ये है। लेकिन अब आपसे मैं ये निवेदन करूँगा कि ये बताइए कि आप दो बार जिला पंचायत बनाए हैं उन्होंने लोकदल में, आपने कितने लोग जोड़े हैं लोकदल से? देखो हमारे यहाँ जो है जिला पंचायत बने हैं, मैं उससे पहले भी क्षेत्र की राजनीति करता जी था और हमारे उसमें सारे ही जात जितने भी सब लोग विधानसभा में सब लोग हैं और जात खासकर मेरे क्षेत्र में जी जितने ऊँचे उसमें गुज्जर है, ठाकुर है, मुस्लिम है, दलित हैं, वो सब लोग पार्टी से जोड़ने का हमारा काम है। वो लोग वोट भी देते हैं, मुझे भी देते हैं और पार्टी को भी वोट देते हैं और पार्टी के लिए कार्य भी करते हैं। तो सब लोग जो है साथ चलते हैं और एक जाति विशेष से कोई काम नहीं चल सकता। तो जो हमारे पार्टी की नीति है, जो हमारे नेता की नीति है, उस पर काम करते हैं, सब वर्ग के लिए पार्टी है। और ऐसा नहीं है कि आगामी 10 सीटों पर चुनाव है, 3 सीट मिली है आपको। देखो जब किसी चीज़ का गठबंधन हो जाता है जी, तो वो 10 की 10 सीट पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, वो सिंबल किसका है, उससे NDA लड़ेगा। वहाँ जो है NDA लड़ रहा है, NDA जो लड़ेगा, जो 10 की 10 सीट पर जीतने का काम करेगा, और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता 10 सीटों पर जाकर जहाँ जिसकी ज़रूरत होगी वो वहाँ काम करेंगे। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी के निर्देश पर 10 की 10 विधान जो जहाँ उपचुनाव है वहाँ जाने का काम कर रहे हैं। वो गाजियाबाद 24 तारीख को आए थे, इसी तरह पूरे उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर जाकर और कार्यकर्ताओं को मीटिंग करके उन्हें चुनाव में तैयार होकर चुनाव लड़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो गाजियाबाद की सीट तो जीत जाएंगे आप सदन की, 10 की 10 जीतेंगे जी। चलो हमारी तरफ से शुभकामनाएं आपके लिए, और हमारे साथ ये सतीश राठी जी जो दो बार जिला पंचायत में मोदी नगर से रहे हैं, और निवेदन करेंगे कि लोकदल को बढ़ाने में अपना सहयोग करेंगे और ख़ासकर SC समाज में जो लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उनकी आवाज़ उठाने का काम करेंगे। एक अच्छी नेता की एक अच्छी पहचान होती है कि जरूरी ये नहीं है विरासत में क्या मिला, जरूरी है विरासत को दे के क्या जाएंगे। तो लोकदल का परचम लहराएं और आगे बढ़ें। हमारे साथ टाइम देने के लिए सतीश राठी जी, पूर्व जिला पंचायत दो बार, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार आपका।